अमेरिका ने माना भारत का लोहा, जानते हैं कैसे और क्यों, तो इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिएगा। दरअसल अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव लाया गया है जिसमें कहा गया है कि भारत एक ताकतवर देश है, यानी अमेरिका में भी अब भारत माता की जय गूंज रही है। दरअसल रूस भारत को वीटो दिलाने का प्लान बना रहा है जिसको लेकर अमेरिका ने ग्रीन कार्ड दिया है। अब इस पर चीन भी भारत से हाथ मिलाने को तैयार हो गया है। कहते हैं ना कि समय बड़ा बलवान होता है, वो जब आता है तो एक से एक बड़े धुरंधर भी आपके सामने झुकने को तैयार हो जाते हैं। अमेरिका में हमेशा भारत के खिलाफ प्रस्ताव आता था, ये पहली बार है जब अमेरिका ने भारत के ताकतवर होने का प्रमाण दिया है। भारत रूस से तेल खरीदे या ऑस्ट्रेलिया से कोयला, वो चाहकर भी रोक नहीं पाएगा। ये रिपोर्ट भारत की आज़ादी के बाद सबसे बड़ा रिपोर्ट है, क्योंकि अमेरिकी संसद में वो हुआ जो अब तक के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। धौंस दिखाने के वक्त लद गए हैं, क्योंकि भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रूह खन्ना ने सदन में एक ऐसा प्रस्ताव रखा, ऐसा प्रस्ताव भारत में मोदी और योगी रख सकते हैं, लेकिन अमेरिका ने क्यों रखा ये हम आपको बताते हैं। दरअसल सदन में प्रस्ताव रखते ही मेज थपथपाने की आवाज़ आती है और प्रस्ताव पास हो जाता है। अमेरिका की संसद को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। अब आइए आपको सुनाते हैं संसद में सांसद ने क्या प्रस्ताव रखा। अमेरिकी सामरिक हितों के लिए अमेरिका का भारत से संबंध सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरा नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट संशोधन प्रस्ताव अमेरिकी भारत परमाणु समझौते के बाद दोनों देशों के रिश्तों को बनाए रखने के लिए सबसे अहम कानून है। काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेक्शंस एक्ट के तहत भारत को प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है। अब आइए जान लेते हैं भारत अमेरिका के लिए जरूरी क्यों है। साफ मतलब है कि अगर आपको किंग बने रहना है तो भारत को किंग बनने देना है, मतलब दुनिया में जो सबसे ताकतवर होगा उसको भारत की जरूरत होगी। इस समय भारत रूस की तरफ खींचा जा रहा है, इसलिए अमेरिका ने सरेंडर करने के लिए भारतीय मूल के सांसद से ये प्रस्ताव रखवाया ताकि काम भी हो जाए और अमेरिका बदनाम भी ना हो। वो क्यों, ये हम आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो गोला बारूद की बड़ी दिक्कतें थी। उस समय भारतीय सेना की मजबूती बड़ी चुनौती थी। ऐसे में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए रूस से $5 अरब का सौदा किया, जिससे अमेरिका नाराज हो गया। पीएम मोदी ने इसकी परवाह नहीं की बल्कि रूस से रिश्ते मजबूत रखे। ट्रंप ने प्रतिबंध लगा दिया। ट्रंप के जाने के बाद बाइडेन आए तो उन्होंने भी बैन जारी रखा, लेकिन 4 साल बाद अब हालात बदल रहे हैं। भारत ने एक दशक में अमेरिका से $4 अरब के हथियार लिए जबकि रूस से $5 अरब का हथियार खरीदा, मतलब एक तरह से भारत ने अमेरिका से कह दिया है कि हम अपने दोस्त रूस से ही हथियार ज़्यादा खरीदेंगे। इसलिए रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने रूस का साथ दिया। प्रतिबंधों के बावजूद तेल और कोयला खूब खरीदा गया। अमेरिका ने कहा कि गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, तो एस जयशंकर ने कहा कि पहले अपने गिरिबान में झांक लूं। ऐसे रुख के बावजूद बाइडेन मोदी से हाथ मिलाने के लिए G7 में बेताब दिखे। वहीं मोदी सबके आगे दिखे। H-1B वीजा को लेकर भी ट्रंप प्रशासन ने कड़े फैसले लिए, लेकिन अब बाइडेन प्रशासन नियमों में ढील देगी। अब ये तो साफ हो गया है कि भारतीय कंपनियों को अमेरिका में राहत मिलने वाली है, चाहे वो नौकरी करने वाले भारतीय हों या फिर पढ़ने वाले स्टूडेंट। नियमों में ढील से उन्हें राहत मिलेगी। जैसे पोखरण परमाणु परीक्षण के समय अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाया और भारत चुप बैठ गया। वो दौर अब नहीं है। करीब 40 लाख भारतीय अमेरिका में रहते हैं। हर साल वहाँ नागरिकता हासिल करने वालों की संख्या बढ़ भी रही है, जो भारत अमेरिका संबंधों को तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही अमेरिका के विकास में योगदान भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अब तक 7 बार अमेरिका दौरे पर जा चुके हैं और हर बार इतना प्यार मिलता है कि वो देखकर अभिभूत हो जाते हैं। अमेरिका में मोदी को इतना पसंद किया जाता है कि उन्होंने ट्रंप के लिए चुनाव प्रचार भी किया। ये बात बाइडेन प्रशासन अच्छी तरह से जान गया है कि अब भारत हमारे लोकतंत्र की जड़ों तक पहुँच गया है, तो संबंध अच्छे रखने में ही भलाई है। इसलिए तमाम उल्लंघन के बावजूद जहाँ वो दुनिया के दूसरे मुल्कों से कह रहा है कि रूस से नज़दीकियाँ बढ़ाई तो परिणाम ठीक नहीं होंगे, जबकि भारत को कह रहा है कि भैया तुम चाहे तेल लो या हथियार, हम कुछ नहीं बोलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।